नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कई सालों से मुंबई में आयोजित हो रहा ग्रीन गणेशा कैंपेन इस बार फिर से हुआ। इस बार ग्रीन गणेशा कैंपेन में शिरकत करने पहुंची बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री दिया मिर्जा। ऐसे तो दिया मिर्जा लंबे समय से पर्दे से दूर हैं, लेकिन इको फ्रेंडली गणेशा के समर्थन में वो चर्चा में बनी हुई हैं। आपको बता दें, दिया मिर्जा हर साल इको फ्रेंडली गणेशा को सपोर्ट करती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बिग एफएम फॉर कंडक्टिंग दिस वेरी इम्पोर्टेंट कैंपेन फॉर द लास्ट 12 इयर्स, फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर, चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर, एनकरेजिंग देम टू डू बेटर। जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि एज समवन हु लव्स एंड वर्शिप्स द एनवायरनमेंट एंड नेचर, आई कांट इमेजिन अ बेटर वे टू सेलिब्रेट गणेशोत्सव बाय सेलिब्रेटिंग ग्रीन गणेशा। पिछले 7-8-9 सालों से मैं खुद इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हम हर साल बीच क्लीनअप के लिए जाते हैं, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति जी बनते हैं वो प्लास्टिक्स की बनते हैं और वो बहुत पर्यावरण को नष्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी बेइज्जती होती है, क्योंकि उनको हम तो समुंदर में बहा देते हैं लेकिन जब वो वापस आते हैं, क्योंकि मिट्टी के नहीं बने होते, पानी में नहीं घुल पाते, तो तब वहाँ से जो उनको बुलडोजर से सफाई होती है उनकी, उनका कहीं हाथ लगा है, कहीं सर लगा है, बहुत बहुत दिल टूटता है ये देखकर। तो खुशी की बात ये है कि हर साल जो संख्या लोगों की है जो घर ग्रीन गणपति लेकर आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, तो हम बेसिकली हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। और जो समझ और जानकारी है इस बात की कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टिक से बना हुआ है, वो पर्यावरण के लिए बुरा है और एक तरह से अपमान है उन देवता का जिन्हें हम पूजते हैं,